वेलकम टू मैजिकल हैंड। आज हम ये एक ऐसा मोबाइल कवर बनाने वाले हैं जिसको यहाँ पे एक पॉकेट है और पीछे भी एक पॉकेट है यहाँ पे। और ये ज़्यादातर साड़ी पहनने वाले लेडीज हैं वो ये यूज़ करती हैं। यहाँ पे कड़ी लगा के उसे हम अपने कमर में खोल सकते हैं। वैसे ये बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर साड़ी में तो बहुत ही सुंदर दिखता है। ये कैसे बनाना है ये आज हम सीखते हैं। और सबसे पहले कि जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो कर लीजिए ताकि आपको नए नए आइडियाज़ मिलते रहें। और इसे बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो सबसे पहले हमें 4.5 बाय 6.5 इंचेस का एक ले लेना है। ये चेक्स भरा हुआ ये मैंने लाइनिंग की है इसमें, ये छोटा सा टुकड़ा है। और ऐसे दो लेने हैं हमें। और इसके बाद हमें चाहिए 7 बाय 5 इंचेस का नून मूवमेंट का एक पार्ट्स। और उसके बाद चाहिए हमें और 4 बाय 3 इंचेस का एक पार्ट्स चाहिए। और ये जिप है जो इसके नाप से ही मैंने ली है जो है 4.5 इंचेस की। और एक हमें ये कड़ी चाहिए यहाँ पे ऊपर डालने के लिए। और एक रनर चाहिए ये जिप में डालने के लिए। और एक कंट्रास्ट कलर की हमें क्रॉस में काटी हुई पट्टी चाहिए। ये हमारा कटिंग रेडी हो गया है। अभी से कैसे स्टिच करना है अब हम स्टार्ट करते हैं। और एक हमें मैग्नेट बटन चाहिए होगा। और अब और जो ये हमारा 4.5 बाय 6.5 इंचेस का पार्ट है उसे लेना है हमें। और उसे ऐसे फोल्ड कर लेना है यहाँ से। और फिर हमें यहाँ से नीचे से राउंड शेप, मतलब कोई भी एक साइड से राउंड शेप ले लेना है। बस इतना छोटा सा ही। अब इसे हम कट कर लेंगे। ये हमारा कट हो गया। अब हमें ऐसे ही दो पार्ट्स लेने हैं। तो ये मैंने दूसरा कट कर लिया है। ऐसे ही हमें दो पार्ट्स बनाने हैं। इसके बाद जो हमारा 4 बाय 3 इंचेस का पार्ट्स था उसे हमें फोल्ड करना है। और यहाँ से मार्क कर लेना है, पान के आकार में हमें मार्क करना है इसे। ये हमारा हो गया है पान के आकार में। सबसे पहले हम ये अपना एक पार्ट्स ले लेंगे। और हमें यहाँ से एक इस पे हमें 1 इंच पे मार्क कर लेना है। यहाँ पे 1 इंच हो रहा है। फिर हमें यहाँ से इसे कट कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टिच करने का। अब हमें यहाँ पे जिप लगाना है। अब हम यहाँ को जिप मैंने उल्टा रखा है और यहाँ पे ऊपर स्टिच करेंगे। अब हमें ये जिप सीधा करके ये ऊपर रखना है ऐसा पलट के। यहाँ पे हमें स्टिच कर, मतलब कि ये जिप के नीचे इसे रख के यहाँ पे भी स्टिच कर लेना है। ये हमने जिप यहाँ पे लगा दी। अब हम इसे ऐसे यहाँ पे फोल्ड करके ऊपर स्टिच कर देना है दोनों साइड, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये हमने स्टिच कर लिया है यहाँ पे। ये हमारा ऐसे दिखेगा। अब हमें यहाँ पे रनर डाल देना है। ये रनर डालने के लिए एक साइड पहले डालना है और अब ये दूसरी साइड। अब हमें यहाँ से पुश करना है इसे नीचे से ऊपर। ये आ गया हमारा रनर। ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ये एकदम सीधा ही आना चाहिए। अब हमने ये हमारा जो पार्ट्स कट किया था वो ले लेंगे। और इसे सबसे पहले हम यहाँ पे एक साइड का
मैग्नेट बटन डाल देंगे। यहाँ पे एकदम सेंटर में नीचे के साइड में थोड़ा सा हल्का सा हम कट कर लेंगे। एक यहाँ पे किया मैंने और एक यहाँ पे किया है, दो पंचर किए हैं। अब हम यहाँ पे ऊपर की साइड, अब हम यहाँ पे ये जो हमारा मैग्नेट का आधा पार्ट है उसे लगाएंगे। हमने जो दो पंचर किए थे तो दोनों में इसे डाल देना है अंदर। अब हम यहाँ पे पीछे ये ब्लेड, ये हमने यहाँ ब्लेड डाल दिया और इसे साइड में पुश करना है, ऐसे ये हो गया। और इसके ऊपर लगाने के लिए जैसे हमने यहाँ पे डाला है वैसे ही लगाने के लिए एक एम्ब्रॉयडरी वाला हमें लेस चाहिए, ये मैंने लिया है। तो हम यहाँ पे उल्टी साइड उसे लगाएंगे, यहाँ पे एकदम सेंटर में रख के इसे इसके ऊपर हमें यहाँ से स्टिच कर लेना है। आप पेज भी ले सकते हैं कुछ, और आपके पास ऐसा है छोटा सा एम्ब्रॉयडरी वाला अच्छा डिज़ाइन का तो वो भी हम लगा सकते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा है साइड में उसे हम कट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम पाइपिंग को लगाएंगे। ये हमने पाइपिंग अटैच कर लिया है यहाँ पे पूरा राउंड में। अब हम इसे फोल्ड करेंगे यहाँ से, लेकिन इसे ऐसा फोल्ड करके हमें ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे ऊपर स्टिच करना है। यहाँ पे हमने पाइपिंग लगा दिया है, यहाँ पे पीछे ऐसे दिखेगा। अब हमें इसे यहाँ से थोड़ा सा एक पट्टी काट लेना है ऊपर डालने के लिए। ये हमने 2 इंचेस की कट कर ली है। अब इसे हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे स्टिच लगा देंगे हम। अब इसे हम यहाँ पे ऊपर रखेंगे, ये जो हमारा जिप लगाया हुआ पार्ट है इसके ऊपर इसे रखेंगे यहाँ पे ऊपर। थोड़ा सा ही यहाँ पे इतना स्टिच में जाएगा तो ये इतना रहना चाहिए, यहाँ पे इतना हम स्टिच लगा देंगे इसके ऊपर। अब इसके ऊपर जो हमने ये पाइपिंग लगा के रेडी किया है पाना आकार का पार्ट्स उसे हम लगाएंगे, और इसे ऐसे उल्टा लगाना है ताकि ये फिर बाद में सीधा हो जाएगा। इसे सेंटर में ही लगाएंगे इसे भी। ये हमने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अब जो हमारा नॉन वोवेन था 7x5 इंचेस का उसे हम ले लेंगे और यहाँ पे ऊपर की साइड हमें अटैच करना है, यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। ये
और इसे अब हमें ऐसे सीधा कर लेना है और इसे ऐसे फोल्ड कर लेना है। जो यहाँ पे ऐसे हमने किया था, जो स्टिच किया है उसे हम ऐसे करेंगे वापस, और फिर इसे यहाँ पे ये जो स्टिच दिख रहा है उसके ऊपर हमें यहाँ पे सीधा कर लेना है और हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। और नीचे ध्यान रखना है कि रनर बीच में ना आए। ये हमने यहाँ पे स्टिच कर दिया है यहाँ पीछे से। अब हमें यहाँ इसके ऊपर यहाँ राउंड में स्टिच कर लेना है। अब हम ये जो एक्स्ट्रा है, अब हमें ये दूसरा पार्ट्स लेना है और यहाँ पे ऊपर से हमें ये अटैच कर लेना है, पाइपिंग लगा लेना है। ये हल्का सा यहाँ से कट कर लेना है ताकि उससे बड़ा ना हो ये पार्ट्स। अब हम इसे यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पे हमने ये अटैच कर लिया, अब इसे उल्टा करके यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये पाइपिंग लग चुका है। अब ये जो हमारा दूसरा पार्ट है इसे हम लेना है और इसे दोनों को ऐसे रखना है, सीधा दोनों साइड रखना है हमें, और यहाँ पे ऊपर सेंटर देख के दोनों को अटैच कर लेना है। यहाँ से हम अटैच करेंगे। ये हमारा अटैच हो गया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे पाइपिंग लगा देंगे। अब हमें यहाँ पे ऊपर पाइपिंग लगाना है, तो अब हम इसे यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ज्यादा रख के इसे हम फोल्ड कर लेंगे यहाँ पीछे की साइड। ये ऐसे हमें पीछे की साइड फोल्ड करना है और यहाँ से हम स्टिच करना शुरू करेंगे। अब हमें यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, ये थोड़ा सा आगे की साइड फोल्ड कर लेना है। हमारा पार्ट्स रेडी हो गया है, ये हमने पाइपिंग लगा दी है। अब इसे हम सीधा करेंगे ऐसे और ये पाइपिंग को आगे की साइड खींच लेंगे। ये पाइपिंग को हमने आगे की साइड कर लिया है। अब हमें यहाँ पे जो फोल्ड किया था उसे ऐसे फोल्ड ही रख के यहाँ पे फिर से ये फोल्ड करके यहाँ पे स्टिच कर लेना है। यहाँ पे खत्म होने वाला हो तब भी फोल्ड करके इसे अंदर डाल देंगे। ये हमारा पाइपिंग लग चुका है यहाँ पीछे का पार्ट और ये आगे का। तो ये हमारा रेडी हो गया है। अब हमें ये हो गया है, तो मैग्नेट डालना है यहाँ पे दूसरा। तो ये जो पार्ट्स है यहाँ पे हम
चौक से मार्क कर लेंगे। अब इसे हम यहाँ से फोल्ड करेंगे। ये हमारा यहाँ पे मार्क हो गया है। अब हम कॉपनर से यहाँ पे पंचर कर लेंगे। दो पंचर करना है हमें मैग्नेट डालने के लिए। जो हमारा ये दूसरा पार्ट है मैग्नेट का, ये हमें डालना है। अब ये प्रेस करके अंदर चला गया। अब हमें इसे यहाँ से इसे खींच के, ये खींच के हमने बाहर निकाल लिया है। अब हमें यहाँ पे ब्लेड लगाना है, ये जो इसका ब्लेड है। ये डाल दिया है हमें। अब इसे प्रेस कर लेना है दोनों साइड। ये हमारा मैग्नेट बटन रेडी हो गया। अब इसे हम बंद कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमें यहाँ पे ये कड़ी लगानी है। अगर आप ऐसे ही यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डोरी भी डाल सकते हैं, बीच में स्टिच में लगा देना है डोरी को ऐसे ही। तो ये आप ऊपर भी साइड में भी लगा सकते हैं इसे। और ऐसे ये कड़ी डाल के हम साड़ी में भी डाल सकते हैं, कमर में डाल सकते हैं इसे। ये कड़ी हमें यहाँ पे लगा लेना है इस तरह से। तो ये कड़ी यहाँ पे लगाने के लिए, ये जो कड़ी है इसको हम यहाँ से थोड़ा ओपन करेंगे और इसमें ये डाल देंगे। ये रेडी हो गया। तो ये हमारा मोबाइल कवर रेडी हो गया है। एक पॉकेट यहाँ पे हम मोबाइल रख सकते हैं। और मोबाइल के साथ हमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज रखनी है तो हम ये पॉकेट में रख सकते हैं, पैसा हो या कुछ और। तो ये हमारा मोबाइल कवर आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें आपको कुछ समझ नहीं आता तो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।